बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राना शेफ इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल से हाजरीन राना मोहम्मद अफजल आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो बच्चों को आप सैरगाह पे लेकर जाएं और वहाँ पर जाते हुए घर से एक डबल रोटी ले जाएं, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो दो ले लें और इसके आप 6 से 8 सैंडविच बना सकते हैं। ये देखें, इसमें मैंने टमाटो केचप रख दी है, चीज़ रख दी है, नमक, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, साल्ट, कुकम्बर, टमाटो एंड ब्रेड। और ये चीज़ें आपको सस्ती मिलती हैं। अगर आप सैरगाह से, रेस्टोरेंट से, कंटीन से, कैफेटेरिया से यही सैंडविच लेते हैं, स्नैक्स की कोई चीज़ लेते हैं, तो ये आपको 150 से ऊपर मिलेगी, 200-250 में है ना, एक्सपेंसिव। तो यही चीज़ अगर आप घर से लेके आते हैं, खीरा भी सस्ते हैं, टमाटर भी सस्ते हैं और मर्जी से बनाएं, तो ये आपका जो है बिल्कुल चीज़ फ्रेश होगी। और ये आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे इस साइड पे आप देखें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत बॉर्डर है, पानी देखें और पीछे बोट देखें, कश्ती देखें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत पानी की वेव्स आ रही हैं, पानी की लहरों को देखें। और मेरे आप लेफ्ट साइड पे आ जाएं, इस साइड पे देखें, माशाल्लाह क्या लंबी दूर तक झील है और इस साइड पे सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चों को साथ लेकर आई हैं। इस सब्ज़े का खूबसूरत नज़ारा है, हर तरफ ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल, क्या बात है, प्यारी प्यारी से हमें भूख लग रही है। और मौसम की तब्दीली के साथ ही यहाँ पर देखें कितनी ज्यादा आइसक्रीम की ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, बेशुमार खड़ी हैं, और यहाँ लोगों पर क्राउड भी काफी है। यूं ही मौसम चेंज हुआ है तो लोग ऑटिक पे निकले हैं। और मेरे इस साइड पे आप देखें क्या खूबसूरत नजारा है ना, ब्यूटीफुल। ये व्यूज आप देखें, वाइट हॉर्स, वाइट हॉर्स, ब्राउन हॉर्स, बर्फानी, ये देखें माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं, बर्फानी और ये है ना प्यारा सीन। ये इस साइड पे बच्चे खेल रहे हैं, उस साइड पे भी खेल रहे हैं, और यहाँ बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम आपको वो भी दिखाएंगे, जैसे मैंने आपको शुतुरमुर्ग है वो हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में, और यहाँ पर जो है पसंद किया जाता है, इसके अलावा और बहुत सारी सैरगाहें चीज़ें हैं, तो सब हम आपको ये दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना दूर तक व्यू है और पानी देखें ला रहे हैं। अब मैं आपके सामने फिर ये स्नैक्स शुरू करता हूँ, यूनिक रेसिपी के साथ शुरू करते हैं हम। इसमें चिकन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन जो है आजकल एक तो वैसे भी महंगा हुआ है, दूसरा मौसम जो है चेंज हो गया है और गर्मियों में चिकन जो है स्मेल दे देता है, एक्सपायर हो जाता है। अब इसी में बनाएंगे फ्राई से शुरू करते हैं रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स का फिर मैं बता दूं, मायोनीज, टमाटो केचप, साल्ट, ब्लैक पेपर, कुकम्बर स्लाइस, ब्रेड स्लाइस। अब मैं इस तरह पार्कों में आएँ, बच्चों को जिस जगह पर भी आप जाएँ और इसको आप यूज़ करें, ना तो कि इसका वज़न है, ना तो कि ये कोई बिरयानी है, ना कोई कढ़ाई है जो बहुत सारा वज़न उठाना पड़ेगा, फिर बर्तन धोने पड़ेंगे, ये तो चीज़ इसमें नहीं है। एंजॉय करें, स्नैक्स टाइम पे करें। अब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, आप ये देखें ऐसे हमने इसके ऊपर चीज़ ऐसे लगा दी है, अब हमने नेक्स्ट टाइप पकड़ लिया है ना, मज़े का सीन। अब यहाँ से ये देखे माशाल्लाह, प्लेट का ख्याल करना जरा, इसको हिलाना नहीं, गिरना नहीं, सारा यहाँ से, ये है ना मज़े का फ्रेश खूबसूरत नज़ारा। और खूबसूरत नज़ारे पे काम करने का अपना ही मज़ा है, दिल फ्रेश हो जाता है। बंदे को टेंशन हो तो खूबसूरत प्लेसेस पे जाए तो टेंशन दूर हो। इस साइड पे हम बोट आपको करीब से दिखाते हैं, ये देखें इस साइड पे,
और माशाल्लाह ये देखें क्या बात है और कितना एंजॉय से जा रहा है। अब हमने नेक्स्ट पे सब के ऊपर ही हमने ये स्पून की बैक साइड से मैं ऐसे करता जा रहा हूँ, ये चीज़ इस पर फिर स्प्रेड कर देनी है। उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट ब्रेड पकड़ ली है, फिर इसके ऊपर मैंने ऐसे ये इस पर भी लगा दिया। अब हमने इस पर क्या करना है कि ये जो हमारे पास दो ही बनाओ अच्छी तरीके से उनका वजन ठीक है, और यहाँ पे मैंने रख दिया सैलड पत्ता। सैलड पत्ते के ऊपर फिर हम रखेंगे इसको कुकम्बर को, ठीक हो गया, ये रख दिया। अब हम इसमें एक स्लाइस रखेंगे ये टमाटर। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है कि ये जो हमारी कैचअप है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे, देखे क्या खूबसूरत लुक आई है, माशाल्लाह व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक है ना, मजे की जगह। अब इसके ऊपर हमने लगाना है ब्लैक पेपर और साल्ट को, ये आ गई है ब्लैक पेपर, ठीक है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और यूज़ करेंगे माशाल्लाह। अब थोड़ा इसके ऊपर जाएगा साल्ट, ये साल्ट लगाया और मैंने अब स्लाइस को करना है इसके ऊपर ऐसे कवर, और ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत बना है ना मज़ेगा, इट इज़ सो डिलीशियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस माई रेसिपी प्लीज लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट लीव मी, स्टे विद मी। अब आपको और दिखाता हूँ, अब हमने नेक्स्ट पकड़ लिया है, इसके ऊपर भी हमने ये जो है ये लगाया। अब हमने इसके ऊपर रखेंगे ये बना के फिर कहना क्या है कि मेरे अपने लिए और एक मेरे साथी के लिए, ये अब इसके ऊपर क्या जाएगा ये। अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, टमाटो केचप, ये आ गई है यहाँ, ये हमारी चीज़ कोई बच गई है, ये भी हम साथ इसको लगाते हैं, ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास स्लाइस ज़्यादा पड़े हुए हैं तो हम इनको भी एक एक साइड पे भी लगा देते हैं, ये तो अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा साल्ट लगाया और यहाँ से फिर हमने इसके ऊपर लगानी है ब्लैक पेपर, है ना मज़ेगा। अब हमने इस स्लाइस को इसके ऊपर, अब हमने इसके ऊपर लगा दिया, ये देखें क्या खूबसूरत बना है, मज़ेगा। और मैं ये अपने फ्रेंड को देता हूँ, हम दोनों खाते हैं इसको, वो लगा लें और ये बढ़िया चीज़। हाँ नाजरीन, ये हमारे दोस्त राणा साहब ने बड़ा मज़े का और इन्जॉय करने आए हैं, हम ये लेंक व्यू पार्क है और इस्लामाबाद का मौसम भी जो है तब्दील हो रहा है, कुछ गर्मी भी महसूस हो रही है, बिल्कुल, तो मौसम गर्म है, आज इतवार का दिन है, तो अभी ये हम चेक जी करेंगे, टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें हम नमक या कोई चीज़ थोड़ा सा करना चाहें तो कर सकते तो हैं। ये पड़ा हमारे पास, ये पड़ा है ये, हाँ अब चीज़ ले लें और ये भी अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से, जिस तरह आप चाहें तो इस पे। और बड़ा लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं, आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और पीछे देखें बोर्ड माशाल्लाह तो, क्या खूबसूरत है नज़ारा, हाँ लगाए ऊपर लगा ले ये भी इंजॉय करें इसे, ये भी उठा ले, वाह व्यूअर्स, स्नैक्स का अपना ही मज़ा है, लंच पे खाएं और आप जो दरमियाना टाइम होता है लंच और डिनर के जो दरमियान का टाइम होता है, स्नैक्स बोलते हैं इसको, स्नैक्स में ये बेस्ट है। बाहर पार्कों में हमने आपको बता दिया है कि बच्चों के साथ जाएं, सस्ती चीज़ें फ्रेश मज़े से खाएं। और सैलड का मज़ा ही बहुत है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं, खीरा आपके मेदे को ठंडा रखता है। पिकनिक पॉइंट में सस्ता तरीन है,
आपका 100 रुपए में जो है ना पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, और खर्चे से भी बच सकते हैं। ऐसा ही फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस माई ग्रेट एंड फंटेस्टिक वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये व्यू आपको कैसा लगा और जो मैंने स्नैक्स बनाया ये आपको कैसा लगा। तो ये फिर अभी हम आपको एक और चीज़ देखिए, माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं स्कूल के कॉलेज के। ये है ना पिकनिक पे पॉइंट, इंजॉय का फैमिलीज को लाएं, बच्चों को इंजॉय कराएं, बच्चों के साथ तो मज़ा आता है घूमने का। तो आपने औरों को भी देखा है, ये छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और जो रेसिपी मैंने आपको बताई है ये आप ज़रूर फार साथ लेकर जाएं। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राणा साहब इंटरनेशनल को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।